बहुत से लोग गेमिंग कर रहे थे, इसके लिए आज मैं सोचा क्यों ना गेमिंग का लैपटॉप का वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो लैपटॉप लेके आया हूँ लेनोवा लीजन है, गेमिंग लैपटॉप है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब आपको बता दूंगा। इसमें आप कितना भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और हैवी गेम भी कर सकते हो। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सब आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया लीजन का लैपटॉप है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि मार्केट में लीजन, एक लीजन हो गया और एक आसूस टफ हो गया, ये सब ज़्यादातर मार्केट में गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसका रेंज, प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसका जो है, जो इसका बनावट होता है ना, मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसका सीपीयू कूलिंग फ़ैन वगैरह जो होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, तो इसके लिए ये ज़्यादा ज़्यादा मार्केट में चलता है। तो आज मैं आपको जो अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखा रहा हूँ, ये लीजन गेमिंग लैपटॉप है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, और साथ में आपको ये सब भी बता दूंगा आप क्या क्या इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेनोवा लीजन अनबॉक्सिंग का। तो गाइज़ ये है लीजन का जो बॉक्स जो मैंने मंगाया था, बॉक्स आया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे एमआरपी जो है 93,000 है, एमआरपी 93,000 है और ये जुलाई अगस्त की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंटेल आई5 10 जेन 2.5 GHz 8 GB 512 GB SSD GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड है, 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है, विंडोज़ 10 है। इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। और वैसे अगर आप गेमिंग में जाते हैं जिसमें ज़्यादातर 4 GB ग्राफिक कार्ड मिलते हैं तो उसमें MS ऑफिस नहीं देती है कंपनी। यहाँ पे ये देखिए इसके चार्जर रखे हुए हैं, ये पावर कोड है और उसका ये एडाप्टर है। तो मैं बता रहा था कि जिसमें ग्राफिक कार्ड होता है, ज़्यादातर आप गेमिंग लैपटॉप अगर आप ख़रीदते हो ना, गेमिंग लैपटॉप ज़्यादातर में आपको MS ऑफिस नहीं मिलता, आपको बाहर से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है आप किस कौन सा वाला इंस्टॉल करवाते हो। और ये रहा इसका लुक, लुक जो है लीजन का सेम एक ही कलर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आता है और काफ़ी बढ़िया लुक है इसका। और यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे देखो सीपीयू फ़ैन दिख रहा है, जहाँ पे लेनोवा लिखा हुआ है उसके नीचे वहाँ पे सीपीयू फ़ैन का हीटसिंक आउट होता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट वगैरह दिया है, एक देखिए ये साइड में भी दिया हुआ है हीटसिंक आउट होने के लिए, और पीछे साइड में भी दिया रहता है। ये देखिए पीछे साइड में भी दिया, यानी कि ये चारों साइड में दिया रहता है कि जो कि बहुत भी है। यहाँ पे भी देखिए है यूएसबी पोर्ट वगैरह है, HDMI है और यहाँ पे लैन केबल है, पावर का है, टाइप सी का पावर आता है इसका। तो इसमें सबसे खास बात यही होती है कि इसमें जो हीटसिंक जो होता है सीपीयू फ़ैन का, दो दो सीपीयू फ़ैन लगे रहते हैं और उसका जो हीटसिंक बाहर आउट का होता है वो चारों तरफ से दिया होता है, जो कि गेम ये खेलो या हैवी कुछ भी वर्क करो तो हीट नहीं होता है। लुक काफ़ी देखिए बहुत बढ़िया लुक इसका आता है लीजन का। इसका जो कीबोर्ड का जो एरो है वो थोड़ा सा उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, और एडाप्टर देखिए 170 वाट का है, काफ़ी हैवी एडाप्टर है ये, और गेमिंग लैपटॉप है तो हैवी एडाप्टर तो उनको देना ही है। और लीजन जो है कि मार्केट में बहुत फेमस है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि एक लीजन हो गया गेमिंग के लिए, इसमें लोग गेमिंग भी कर लेते हैं, एडिटिंग भी, जैसे कोरल, ऑटोकैड, 3D Max, जितने भी है भी आपको करना है एडिटिंग, कोडिंग वगैरह सब एकदम बेस्ट होगा इसमें। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया हुआ है तो कोडिंग वगैरह एकदम अच्छे से आप कर सकते हो इसमें, हैवी गेमिंग कर सकते हो आप इसमें, हैवी एडिटिंग कर सकते हो, सब कुछ इसमें कर सकते हो। और ये i5 10 Gen है, 8 GB RAM है, 512 GB SSD के साथ में, तो लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। और ये लीजन है, आप इसमें इसको बाय कर सकते हो, इसी 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। इसकी जो डिस्प्ले होती है वो 15.6 इंच की होती है। इसके जो पोर्ट होते हैं यहाँ पे एक देखिए USB पोर्ट है और एक जो है ऑडियो जैक है, और एक वहाँ पर आपको राइट साइड में जो दिख रहा है नीचे वो है हीटसिंक जो होता है वो बाहर निकलने के लिए होता है। तो इसमें जो है पोर्ट ज़्यादातर पीछे देते हैं और यहाँ पे एक USB और एक ऑडियो जैक राइट साइड में दे दिया है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी आपका कुछ यहाँ पे पोर्ट दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए लुक वगैरह काफ़ी बढ़िया है, ये साइड में भी आपको एक पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका हीटसिंक का जो होता है वो जगह दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आता है दोस्तों ये, अगर आपको बाय करना है तो आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन बाय कर सकते हो। लीजन गेमिंग लैपटॉप इसका बहुत लेनोवा में फेमस है ये, और प्राइस सबसे बेस्ट इसका होके आता है, आपको ज़्यादा प्राइस भी इसमें स्पेंड नहीं करना रहता है। तो लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, इसमें मैंने आपको बताया ऑटोकैड, 3D Max, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, एडोब प्रीमियर वगैरह, माया का सॉफ्टवेयर है, या आपको कोडिंग वगैरह का कोई हैवी सॉफ्टवेयर डालना है वो सब आप कर सकते हो। दोस्तों बहुत से लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि उनको कोडिंग के लिए लैपटॉप लेना है, अगर मैंने उनको थोड़ा सा हैवी सजेशन दे दिया तो वो फिर मना, मतलब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है। वैसे कोडिंग के लिए अगर आप नॉर्मल लैपटॉप पर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उसमें आपका अगर दूसरे कोई सॉफ्टवेयर आप डालेंगे तो आपका उसमें होगा नहीं,
क्योंकि उसके लिए आपको हैवी कम से कम 8 GB रैम और SSD होना चाहिए। और आप अगर ग्राफिक कार्ड के साथ में जाते हो तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए SSD दिख रहा है 512 GB का, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखेगा। तो दोस्तों इसके में एक लॉजिक होती है, जो ड्राइव होता है ना, जैसे 512 GB का ड्राइव है, जब भी वो कंपनी बनाती है ना तो उसमें उसका स्पेस थोड़ा सा चले जाता है, वो कम हो के आता है। आप कभी भी देखना, अगर आपने 400 GB का कोई भी आप हार्ड डिस्क पार्टीशन करोगे, आप 400 GB का दो दो बना दो, आपको देखो 400 पूरा नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कोर i5 10th Gen CPU 2.5 GHz प्रोसेसर। तो ये हार्ड डिस्क का लॉजिक होता है, चाहे पेन ड्राइव वगैरह हो, सब में वही सेम होता है, पूरा का पूरा नहीं मिलता है। यहाँ पे कोर्स देखेंगे 4 कोर है, और L3 कैच जो होता है वो 8 MB का दिया हुआ है, तो काफ़ी L3 कैच बहुत ही बढ़िया है, कोर 4 है। रैम की आपको दिखा देता हूँ, मेमोरी इसमें 8 GB लगा हुआ है, और 8 GB लगा हुआ इसमें स्लॉट आपको बता देता हूँ कितना स्लॉट है इसमें। दो स्लॉट में 1 GB लगा है, एक स्लॉट फ्री है। आप उसमें अगर रैम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, 8 GB और डाल सकते हो इसमें, अप टू 32 GB तक कर सकते हो आप। 8 GB निकाल के आप उसमें 16 GB कर सकते हो। यहाँ पे देखिए SSD लगा हुआ है, SSD किस ब्रांड का है, ज़्यादातर मैक्सिमम आपको सैमसंग का ही मिलेगा, और इसका भी सैमसंग का ही है। तो दोस्तों इस लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, और इसका जो मैंने प्राइस है मार्केट में, इसका जो प्राइस है आपको ये मार्केट में अराउंड ये 69,000-70,000 के आसपास में आपको ये मिलेगा। प्राइस थोड़ा आगे पीछे रहता है मार्केट के हिसाब से, बट इसके 69,000-70,000 के आसपास में आपको ये लीजन 5 i5 गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा। आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपका कुछ क्वेरीज है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं अनबॉक्सिंग का कोई भी वीडियो लेके आऊँ, सॉफ्टवेयर वगैरह रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और भी मैंने अच्छे अच्छे वीडियो डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये आपका जो गेमिंग लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपको बाय करना है बाय कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ये लैपटॉप में वाईफाई मिल जाता है आपको, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है, आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट से इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें प्राइवेसी सेटर कैमरा भी आता है। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो बैटरी बैकअप आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप आपको मिल जाती है। अगर आप हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे ही मिलेगी, बट बैटरी काफ़ी अच्छी आती है इसमें। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो प्ले किए हुए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पे मैंने मोबाइल से शूट किया हुआ है, जो कि उतना अच्छा मोबाइल से नहीं आ रहा, बट क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया मुझे लगा था, क्योंकि IPS पैनल है तो आपको किसी भी एंगल से आप उसमें देखेंगे आपको उसमें दिखाएगा, और लैग बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने ये जो वीडियो प्ले किया हुआ है, ये मैंने UHD प्ले किया हुआ है, और ये 4K को भी सपोर्ट कर रहा था, और इसमें देखिए बिल्कुल लैग नहीं हो रहा था, एकदम क्लियर वीडियो आ रहा था। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकॉन पर क्लिक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।